मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, अवगुण क्या है, दोष क्या है, पूर्ण रूप से जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है। हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विश्वास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, अवगुण क्या है, दोष क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, चरित्र क्या है, पूर्ण रूप से जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आपका अधिक समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। मिथुन लग्न लग्नों की संख्या की तीसरे नंबर की लग्न कहलाती है। इसके लग्न स्वामी बुधदेव होते हैं। बुध की दो लग्न होती है, कन्या लग्न और मिथुन लग्न। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि बुध ज्ञान के देवता होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान कूट कूट के भरा होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, बातों के धनी होते हैं, लोगों को अपनी बातों से किस प्रकार से प्रभावित करना ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे व्यक्ति के लाइफ में कितना ही क्यों ना संघर्ष चल रहा हो, ये संघर्ष को पीछे करके लाइफ में सफलता को हासिल करते, लाइफ में बहुत बड़ी सफलता ये हासिल करते। ऐसे व्यक्ति का बचपन से ही माइंडसेट बन जाता है कि भैया इसे बिजनेस करना है, इनके दिमाग में बिजनेस ही रहता है। किसी कारणवश इन्हें जॉब करनी पड़ती है, लेकिन बचपन से इनके माइंड में बिजनेस रहता है। ऐसे व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, मन एक जगह पर ठहर के नहीं रह पाता है। कभी आप इनसे बात भी कर रहे हो ना, तो मन इधर उधर होते रहेंगे, इनका मन इधर होगा कभी उधर होगा कभी इधर उधर होगा, हाथ इधर मारते रहेंगे कभी इधर हाथ मारेंगे कभी उधर उधर हाथ मारेंगे, इधर देखते रहेंगे उधर देखेंगे, मतलब मन इनका बहुत ज्यादा चंचल रहता है। और मन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, थोड़ी देर के लिए खुश है, थोड़ी देर के लिए दुखी हो गए। गुस्सा बहुत तेज आता है, लेकिन गुस्सा ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। फुसफुसा गुस्सा रहता है, पर जितनी देर का भी गुस्सा आएगा ना, एक मिनट का भी गुस्सा आएगा, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फूटा है। गुस्सा बहुत ज्यादा तेज होता है। लोगों को सलाह देना, लोगों को समझाना, लोगों को बात बताना, लोगों को एडवाइस देना इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इनके पेट में कभी कभी कोई बात टिक के नहीं रह पाते, लोगों को बोल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को रूठना मनाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति छल कपट से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, दूसरों से मदद मांगते नहीं है। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्कर कम स्मार्ट वर्कर ज्यादा देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को लग्जरी चीजें, ब्रांडेड चीजें और खूबसूरत चीजें बहुत ज्यादा लुभावित करती है, आकर्षित करती है। इसलिए कभी कभी खूबसूरत चीजों के ऊपर अपना दिल भी दे बैठते हैं। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, इसलिए अपने दोस्त यार के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनके मित्र बहुत ज्यादा होते हैं, अधिक संख्या में इनके मित्र होते हैं, और मित्र इनका हमेशा हर प्रकार से सपोर्ट करते हैं, और मित्रों के लिए हमेशा भीड़ से भी लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है कभी कभी रिश्तेदारों से पैसा अगर उधार देते तो वापस मिलता नहीं है, और कभी कभी रिश्तेदारों से अच्छी पटती भी नहीं है। कभी कभी इनका कहना होता है रिश्तेदार बनाने वाले होते नहीं, रिश्तेदार मुंह लगाने के लायक नहीं है, इसलिए हम उनसे बनाते नहीं है। इसलिए रिश्तेदारों से तो इनकी थोड़ी कम बनती है, लेकिन जब बनती है तो फिर बहुत अच्छी बनती है, ये चीज भी देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने का मन बहुत ज्यादा रहता है, और विदेश में जाकर सेटल भी होते हैं। अगर जन्म कुंडली में 12वां स्थान आपका अच्छा है, उत्तम है, तो आप विदेश अवश्य रूप से जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि मिथुन लग्न वाले व्यक्ति को विदेश जाना बहुत ज्यादा, या तो घूमने के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, या काम के लिए जा रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा मन होता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस, क्या विदेश से क्लाइंट अवश्य रूप से बनते हैं, तो विदेश में बिजनेस रहेगा या विदेशी क्लाइंट रहेंगे, क्योंकि विदेश से कोई ना कोई गतिविधि, कोई ना कोई कनेक्शन अवश्य रूप से देखा जाता है। माता पिता से परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम रखने वाले व्यक्ति होते हैं, परिवार से दूर नहीं रहना चाहते। परिवार से जहां दूर जाने की बात आती है तो ये सोचते हैं कि भैया 2-3 हजार रुपए कम कमा लूंगा, मैं परिवार के साथ रहूंगा। ऐसे व्यक्ति देखा जाता है। साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, लग्जरी चीजें इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होती है। अच्छी गाड़ी, अच्छी मकान और अच्छी बीवी भी इन्हें प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति देखा जाता है कभी कभी कोई बातें कर रहे हो ना, तो देखिए आपने देखा होगा मिथुन लग्न का जो आइकन देखा होगा, आपने देखा होगा दो लड़कियां हैं, उसी प्रकार से ये घुमा पे रखे दो मुंह ही बातें करते हैं। बड़ा मतलब कोई बात छोटी सी है उसको बड़ा चढ़ा के बताएंगे, इसलिए कभी कभी इनकी बातों पे यकीन मत कीजिए करिए, क्योंकि बड़ा चढ़ा के बातें करने वाले होते हैं, वहां पर कुछ और हुआ ये बताएंगे कुछ और, इसलिए इनकी थोड़ी सी बातों पर थोड़ा कम यकीन कीजिए करिए। ये होते हैं मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों का स्वभाव, मैंने आपको बताया पर्सनैलिटी किस प्रकार से होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।